श्री ओम बिरला। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान कोटा संभाग सहित संपूर्ण राजस्थान के, मैं इस समय असहम भीषण ओलावृष्टि के कारण हुई तबाही की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त अवधि के मध्य में हुई असमय ओलावृष्टि के कारण हाड़ौती संभाग, विशेषकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर किसानों की गेहूं और धनिया, सरसों सहित कई फसलों का भारी नुकसान हुआ है। कोटा संभाग सहित समस्त प्रदेश के अधिकांश किसान इस असामयिक प्राकृतिक विपदा के कारण गहरी आर्थिक विपत्ति के अंदर फंसे हुए हैं। प्रकृति की विपदा किसानों पर उस समय पड़ी जब वह खेती समस्त लागत लगा चुका था और फसल लगभग पककर कटने को तैयार थी। उक्त खराब फसल का आकलन करने के लिए हमारी सरकार के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री मोहन भाई जी, केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह जी आदि ने उस क्षेत्र का दौरा किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की पीड़ाओं को समझा और किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि किसानों के नुकसान के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हुए इतिहास में पहली बार आपदा राहत के मापदंडों में शीतलता देते हुए फसल नुकसान की सीमा 50% की जगह 33% की है, जिससे बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा मिलेगा। किंतु क्षेत्र के हालात इतने खराब हैं कि आकंड कर्ज में डूबे किसान के घर में इस वर्ष खुद के गाने के दाने भी नहीं बचे हैं, गेहूं नहीं बचा है। उसके सूक्ष्म समक्ष पूरे वर्ष की परिस्थिति में गुजारा करने का संकट खड़ा हुआ है। रबी की फसल उगाने के लिए किसानों द्वारा विभिन्न बैंकों एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा जो अल्पकालीन प्रश्न ऋण उपलब्ध कराए गए थे, उनको चुकाने में किसान सर्वथा असमर्थ है। ऐसी स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण दिए जाते हैं उसका ब्याज माफ करने का प्रयास करें और उसकी अवधि 30 जून 2016 तक बढ़ाने की कार्य योजना बनाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से जो किसानों को ऋण दिया जाता है, मेरा उपाध्यक्ष महोदय निवेदन है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर उस किसान का ऋण माफ कर दे ताकि किसान उस कर्ज की उपजा से। माननीय